गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन क्यूबेसिक, चैप्टर 9 ऑफ योर बुक। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज, जिसका नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक के बारे में आप पिछले चैप्टर में भी कुछ पढ़े होंगे, कुछ जानते होंगे, आप पढ़ाया गया होगा क्यों क्लास 5th में भी। तो क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट स्टार्ट से स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट आर ट्रू और फाल्स। हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए वो ट्रू है या फाल्स है। स्टेटमेंट क्या है? क्यू बेसिक की जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू, क्योंकि हमको पता है हाई लेवल लैंग्वेज है क्यू बेसिक, स्टेटमेंट यानी ट्रू है। सेकंड, यू कैन नॉट सेव अ क्यू बेसिक प्रोग्राम ऑन टू द हार्ड डिस्क। वी कैन सेव अ प्रोग्राम टू द हार्ड डिस्क फॉर ओके। सेकंड और थर्ड, द इनपुट स्टेटमेंट हेल्प यू टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। द इनपुट स्टेटमेंट एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। वी नो दैट इनपुट स्टेटमेंट एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूजर। यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करता है इनपुट स्टेटमेंट, ना कि प्रिंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फाल्स। इसको हम कर लेंगे फाल्स। नेक्स्ट, द सीएस स्टेटमेंट कैन बी यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। नो, सीएलएस कमांड इज, सीएलएस स्टेटमेंट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाल्स। लास्ट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो ये भी क्या है, ट्रू हो जाएगा लास्ट का। तो इसको आप अपने बुक में कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिकॉलिंग बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्यू बेसिक प्रोग्राम। सो हियर वी विल वंस रिकैप द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम दैट वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को हम एक बार यहाँ रिकैप कर उनको रिकॉल करेंगे। जैसे कॉन्स्टेंट्स हो गया, वेरिएबल हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, इन चीज़ों को हम एक बार फिर से यहाँ पढ़ेंगे। ऑल क्यू बेसिक प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग वन और मोर ऑफ फोर बेसिक एलिमेंट्स। जितने भी क्यू बेसिक प्रोग्राम होंगे उनमें, इनमें से जो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, ऑपरेटर और कमांड्स, इन्हीं से मिलके प्रोग्राम्स बनते हैं। इनमें से लगभग हर एक प्रोग्राम में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कमांड्स मिलेंगे उसमें, कॉन्स्टेंट्स मिल सकता है, वेरिएबल होगा, ऑपरेटर होगा, तो जितने प्रोग्राम बनाएंगे इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स हैं। ओके, क्यू बेसिक क्या होता है एक बार ये भी जान लेते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, हो सकता है भूल गया हो, चलिए एक बार यहाँ हम ये भी जान लेते हैं क्यू बेसिक होता क्या है। क्यू बेसिक रेफर्ड टू द क्यूक बिगिनर्स ऑल पर सिम्बोलिक इंट्रक्शन कोड। क्यू बेसिक क्या है, इसको जो हम देखते हैं फुल फॉर्म में क्या है इसका, क्यूक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंट्रक्शन कोड। याद रखिएगा आप, यह है क्या, इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट टू टाइप, एडिट, डीबग एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये एक IDE है। क्या है, IDE, IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, लैंग्वेज में प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, एडिट, डीबग या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्यू बेसिक एक IDE है,
जिसमें हम प्रोग्राम्स को, बेसिक प्रोग्राम्स को टाइप, एडिट, डीबग या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टाइप का मतलब उसको टाइप करना जानते ही हैं, एडिट मतलब यानी कुछ अगर उसमें कम ज़्यादा करना हो, इरेज करके हटाना हो, डिलीट करके फिर से लिखना, ये चीज ऐड करना, वो कर सकते हैं। डीबग, डीबग का मतलब होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको आप रेक्टिफाई करके फिर से प्रोग्राम को सही करते, उसको डीबग करते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायरिंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम को रन करना। इट इज़ यूज इन द एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता था पहले, आज भी आप यूज कर सकते हो। क्यू बेसिक यूजेज इंग्लिश लाइक वर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल टू राइट प्रोग्राम्स। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इन क्यू बेसिक कमांड्स आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेज, इंग्लिश वर्ड्स, एंड दे यूज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स टू राइट प्रोग्राम्स एंड इट इज़ अ वेरी ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है समझने में और इसको लिखने में। इसमें जो कमांड्स दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से ही मिलते जुलते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम फाइल इज डॉट डी एस। जब भी आप किसी फाइल को सेव करेंगे डॉस में, वो किस नेम से, एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होगा, डॉट बी ए एस। ओके, तो इतना याद रखना, एक्सटेंशन ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम फाइल क्या होगा, डॉट बी ए एस। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए याद आप रखोगे। हम क्यू बेसिक के फीचर्स कुछ देख लेते हैं क्या होते हैं। क्यू बेसिक इज वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए और लिखने के लिए। इसमें से इसमें बिगिनर्स जो है वो आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्यू बेसिक ऑटोमेटिकली चेक सिंटैक्स। सिंटैक्स वो होते हैं जो उसका लिखने का ग्रामर होता है, जैसे अब इंग्लिश में ग्रामर होते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसका एक फॉर्मेट होता है, सेंटेंस फॉर्मेट होता है कमांड्स को लिखने का। तो ये ऑटोमेटिकली सिंटैक्स को अपने चेक कर लेता है, अगर वो गलत है तो उसको ठीक कर देता है। क्यू बेसिक कैपिटलाइज द रिजर्व्ड वर्ड। क्यू बेसिक में कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं, कमांड्स हैं, उनको वो अपने आप कैपिटलाइज कर लेता है। आप स्मॉल में लिखोगे तब भी वो कैपिटल उसको कर लेगा। क्यू बेसिक कीप द सेम वेरिएबल नेम यूज इन प्रोग्राम टू आइडेंटिकल फॉर्म। आप जो भी वेरिएबल देगा उसको उसी फॉर्म में, वो प्रोग्राम में आइडेंटिकल फॉर्म में रख लेता है। क्यू बेसिक अलाउ टू ब्रेक लेंथी प्रोग्राम इन टू मॉड्यूल्स। आप बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्यू बेसिक में बना सकते हो। ओके, तो ये सारे कुछ फीचर है जिसके वजह से हम क्यू बेसिक को यूज करते हैं। समझ में आई बात। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल की क्या होते हैं। अ कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी ओज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, एक ये वैल्यू होती है, एक एंटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती। जैसे 4, 5, 8, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ भी होगा प्रोग्राम में इसकी वैल्यू फिक्स है। 8, 4, 5, 8 की वैल्यू 8 हर जगह है प्रोग्राम में, वो चेंज नहीं होती है। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हम चेंज न कर सके, या प्रोग्राम उसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं करता हो, चेंज नहीं होती हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट। जैसे 8, 4 आपका नाम ये दो टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर ऑन विच कैलकुलेशन कैन बी डन। ये नंबर होते हैं जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम अगर
लिखे 4, 2, 10, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये किस टाइप के है? न्यूमेरिक कांस्टेंट। दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं आर द लेटर्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंक्लूड विद इन डबल कोट्स। इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन ऑन द स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेकिन इस पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा है और इसको डबल कोट्स में ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। इसकी यानी प्रोग्राम में इसकी वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्स वाई जेड लिखते तो ये क्या हो जाता है? एक वेरिएबल हो जाता जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज हो सकती थी। समझ में आ गई बात? अब बात हम कर लेते हैं वेरिएबल की ही। वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज क्वांटिटी और वैल्यू कैन बी चेंज एज मेनी टाइम एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को हम कई बार प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, जैसे एक्स वाई ए बी इस तरीके के। ये जो वैल्यू है इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज प्रोग्राम चेंज कर सकता है। वेरिएबल यूज इन प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज। हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? हम इनका यूज करते हैं क्योंकि हमको जो प्रोग्राम है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू इसमें स्टोर करता है। वेरिएबल एक्चुअली क्या होते हैं? आपके रैम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ कि हम अपनी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करते हैं। समझ में आ गई बात? वेरिएबल क्या है? दीज आर टू टाइप्स, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स स्टोर न्यूमेरिक कांस्टेंट आर नोन एज द न्यूमेरिक वेरिएबल, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स दैट स्टोर स्ट्रिंग कांस्टेंट आर नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल्स। दो तरह के वेरिएबल भी होते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो वेरिएबल होते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करेंगे, और जो न्यूमेरिक है वो नंबर या न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।